अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कौम के अंदर पनपने वाले गद्दारों का क्या, आखिर गद्दारी करके तुम्हें हासिल क्या होता है? कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। दो दिन पहले दो दिन बाद हर एक को इस दार फानी से जाना है। कोई इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आया। हजार साल जिंदा रहना ही काफिरों की सीफत है। मोमिन तो मौत की तमन्ना करता है क्योंकि असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। क्या वाकई मुसलमानों को दुनिया की मोहब्बत ने निगल लिया है, जिसका डर इनके अंदर बैठा हुआ है? क्या शानदार तारीख रही इस कौम की, पूरी दुनिया पर अपना परचम लहराने वाली कौम के दीनी सियासी रहनुमा अपनी जान बचाकर दुनिया में लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं। इस कदर दुनिया की मोहब्बत में इस समाज को इससे पहले कभी नहीं देखा था। अल्लामा इकबाल ने कहा, रगों में वह लहू बाकी नहीं है, वह दिल, वह आरजू बाकी नहीं है, नमाज और रोजा वो कुर्बानी वो हज ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। आज इस मौजू पर बोलना इसलिए जरूर समझ रहा हूँ क्योंकि हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम दुश्मनी में सरशार फिरका परस्त तंजीमें जिनका नफरती एजेंडा तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है, वही दूसरी तरफ मुस्लिम माशरा बेगैरत के साथ कौमी गद्दारी करना भी अब गुनाह नहीं समझा जा रहा। आज एबीवीपी की जानिब से पॉपुलर फ्रंट और एचडीपीआई पर पाबंदी की मांग करते हुए वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर अर्घा ज्ञानेंद्र के घर में दाखिल होने की कोशिश की, लिहाजा इन पर बतौर कार्रवाई एफआईआर दर्ज की गई है। तकरीबन 30 से ज्यादा एबीवीपी कारकुनों पर कार्रवाई की है। यकीनन पॉपुलर फ्रंट एचडीपीआई अकलियती पिछड़े दलित तबकात के हक में आवाज उठाने वाली तंजीम के तौर पर जाना जाता है, पर क्या सिर्फ इसी की बुनियाद पर एहतजाज या फिर कई बीजेपी लीडरों ने अपना इस्तीफा भी दिया है? अब इस मामले को समझने की जरूरत है। किसी तरह मुस्लिम समाज की मुखालिफत में या एक तरफा कार्रवाई करने को लेकर हुकूमत पर दबाव बनाया जाए, यही इसके पीछे मकसद होने की बात कही जा रही है। कल के मौजू में हमने इस बात को भी वाजह किया था कि बीजेपी युवा लीडर प्रवीण नेत्तर का कत्ल होने के बाद बीजेपी के कई बड़े लीडरों ने मुस्लिम समाज के खिलाफ जो चाहे बयानबाजी फरमाई, पर सवाल हमेशा की तरह लाजवाब रहता है कि कार्रवाई कितनों पर हुई। प्रवीण के घर वालों को 25 लाख रुपए बतौर इमदाद दिए गए। महज 5 किलोमीटर दूरी पर मसूद का घर था, जिसका भी कत्ल आरएसएस बजरंग दल के कारकुनों ने करने की बात सामने आई है और कईयों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वजीर आला ने मकसूद के घर जाना जरूरी नहीं समझा। खैर, प्रवीण के कत्ल के बाद फाजिल का कत्ल भी किया गया, लेकिन इस पर अब तक खामोशी अख्तियार किए हुए हुकूमत नजर आ रही है। 21 अपराधों को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन अब तक किस तंजीम के है जाहिर नहीं किया गया। कहने का मतलब, जिस तरह का रवैया बीजेपी हुकूमत की जानिब से अख्तियार किया जा रहा है, साफ समझ में आ रहा है। खैर, आज जब एबीवीपी के कारकुनान वजीर दाखला के घर में इसलिए घुसने की कोशिश कर अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं क्योंकि अब तक पीएफआई पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई, अब सवाल ये उठाना भी लाजिम है कि इस तरह बीजेपी हुकूमत के खिलाफ बीजेपी के ही लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा जवाब यह है कि खुद ही इस तरह का माहौल बनाओ के मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी हो जाए। कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि बहुत दबाव है, और अगर यही एहतजाज किसी मुस्लिम तंजीम के अफरादों की जानिब से किया गया होता तो क्या किया जाता? क्या सिर्फ इसी तरह एफआईआर लिखी जाती या फिर यूएपीए लगाकर दहशतगर्द के इल्जाम में सालों साल कैद खानों में रखा जाता? अब चुनाव नजदीक हैं तो और भी नफरती वारदातों में इजाफा हो सकता है। पूरे मुल्क में नए नए तरकीबों के साथ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब मदरसों को बंद करने की आवाज उठाई जा रही है। अब तो मुल्क में हर जुर्म के लिए मदरसा सोच ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तारीख की किताबें असलाफ की लिखी हुई किताबों को निशाना बनाया जा रहा है। जमात इस्लामी से लेकर दावत इस्लामी तबलीगी जमात सर फहरिस्त है। कर्नाटक में नफरती गिरोह पूरी तरह से सरगर्म है। पीएफआई महज बहाना है। इन्हें तो मुसलमानों के हर तंजीम इदारे से एतराज है। यह मौजूदा हालात है तो कौमी सतह पर क्या तैयारियां हैं? कितनी कौम बेदार है? क्या वाकई कोई मंसूबाबंदी या फिर कानूनी कार्रवाई का कोई रद्द अमल इस माशरे के पास है या नहीं, ये भी टटोलना जरूरी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस कौम के पास ना तो कोई मंसूबाबंदी है। अगर आज खुलकर मदरसे तंजीम इदारों पर पाबंदी की मांग की जा रही है और फर्जी एहतजाज के जरिए माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुस्लिम माशरा दिन ब दिन गफलत की नींद में ही पाया जाता है। बजाय आवाज उठाने के नए नए मसल के गिरोह सरगर्म होते जा रहे हैं और जितनी आपसी दुश्मनी निकाल सकते हैं निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, और यह सच्चाई है जिस पर सिवाय मातम के और कुछ नहीं कर सकते। अगर मदरसों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, ये भी सवाल उतना ही है। क्या इस कौम के वो दीनी और सियासी रहनुमाओं को जिम्मेदार ना ठहराया जाए जिन्होंने कभी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी ही नहीं समझा? जाहिर है जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय खामोश इख्तियार किए, जिसका नतीजा हमारे सामने आज मौजूद है। हमने खुद तो आवाज नहीं उठाई, पर जिन तंजीमों नौजवानों ने आवाज उठाई उनकी भी मुखबरी में मुलव्वस हम रहे। पूरी उम्र में सिवाय अपनी जमातों के एजेंडे के कुछ नहीं कर पाए। आज भी एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते और ऐसा समझते हैं कि बस यही एक मसलक जन्नती है। हमने इसी इख्तलाफात में दो नस्लों को बर्बाद किया है। बहुत पहले आवाज उठानी थी। बाबरी मस्जिद, गुजरात फसाद, मुजफ्फरनगर, देवबंद मदरसा, फिर मौलानाओं पर
मुसीबतें यूं ही मुस्तकिल आती रही। जाकिर नाइक मौलाना साद कलीम सिद्दीकी, खैर फहरिस्त तो बहुत तवील है, अगर मदरसों पर पाबंदी लगती है तो इसके लिए क्या ये माशरा जिम्मेदार नहीं है, खुद मदारिस वाले जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि मस्जिदों के मेंबरों से जालिम के जालिमाना रवैये पर खुतबे नहीं दिए जाते। आज भी इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन बताओ तो सही कितने मस्जिदों मदारिस से आवाज लगाई जा रही है? हक बात को बोलना भी आपके ईमान वाले होने की दलील कही जाती है, लेकिन शायद ही कोई मेंबर रसूल से बजरंग दल आरएसएस के मंसूबों पर बयान देता होगा। कुछ तो आज भी ऐसे ख्वाब गफलत में है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ कहो तो कहते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक ठाक है। अब जब कौम इस नाजुक दौर से गुजर रही है तो कौम में पनपने वाले गद्दारों से बड़ा नुकसान होने वाला है। इन्हें पहचानने की जरूरत है। महज किसी मसलक जमात या सियासी पार्टी के मोहब्बत में और जाती मुफाद के मद्देनजर यह कौमी गद्दारी बड़ा नुकसान कर सकती है। लिहाजा जरूरत है माशरे के हर फर्द को चौकन्ना रहने की। इसका मतलब ये भी नहीं कि हर फर्द एक दूसरे पर शक करता रहे। वैसे भी मुस्लिम माशरे का बड़ा तबका पहले ही ज़हनी बीमारियों में मुब्तला है। घरों के अड़ोस पड़ोस के साथ हमारे ताल्लुक ठीक नहीं है, रिश्तेदारों से कतार ताल्लुक की, फिजूल खर्चे, फिजूल बहस, मामलात में तो सबसे गिरे हुए अखलाक अगर किसके है तो ये हमारी कौम के है। गीबत, कीना, चुगलखोरी जैसे सैकड़ों बीमारियों में मुब्तला पाया जाता है। आज भी मस्जिदों से मौजूदा हालात पर तस्करा क्यों नहीं किया जा रहा, ये भी समझने से हम कासिर है। ये खामोश बुजदिली है या एहतियात है या फिर ये भी किसी मंसूबे का हिस्सा समझ से बाहर है? लेकिन बोलने में क्या हर्ज है, जब दुश्मन फिरका परस रोजाना कुछ ना कुछ अनाप शनाप जो चाहे कुछ भी बोलता है। आपको उसकी जबान में बोलने की जरूरत नहीं है, पर क्या संविधान ने जो बोलने का हक दिया है उसे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते? विपक्ष के कुछ लोग बोल रहे हैं, कई बीजेपी के गलत पॉलिसियों पर सहाफी बोल रहे हैं, कुछ सामाजिक खिदमतगार बोल रहे हैं, और इसमें अक्सर गैर मुस्लिम है। अगर कोई नहीं बोल रहा तो सिर्फ मुस्लिम दीनी सियासी रहनुमा नहीं बोल रहे, ये मुस्लिम समाज नहीं बोल रहा। जरूरत है बोलने की और बोलना भी चाहिए। ये खामोश कहीं आने वाली नस्लों को गूंगी ना बना दे, इसकी फिक्र हमें जरूर करनी चाहिए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर मास लखा ने आज सहारा फाउंडेशन की तरफ से 31 जुलाई को एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप और डेंगू प्रिवेंशन कैंप रखा गया है, क्योंकि अभी सब लोग देख रहे हैं हर दो दिन में बारिश हो रही है, हर जगह पानी भर रहे हैं, गंदगी फैल रही है, तो डेंगू के मच्छर जो है गंदे पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उससे जो स्लम्स एरियाज हैं या जहाँ गंदगी ज़्यादा रहती है वहाँ पर डेंगू की बीमारी ज़्यादा है। इसलिए कैसे डेंगू प्रिवेंशन कैंप कर रहे हैं जिसमें होम्योपैथिक जो डेंगू की मेडिसिन आती है वो डाली जाती है, ताकि हम एक हद तक डेंगू होने से बचा सकते हैं लोगों को। दूसरी मेरी एक अपील है मोहल्ले के बड़ों से, जो भी बड़े लोग हैं, माँ बाप हैं, उनसे तो अपने बच्चों पर निगरानी रखें, कि काफ़ी बच्चे पाए गए जो बुरी आदतों में अभी से मुब्तला हो चुके, जिनकी उम्र 14-15 साल है, बच्चों को सिगरेट की आदत है, तम्बाकू की आदत है, उनको अभी से धाप वगैरह लग रही है बच्चों को। अगर आप अपनी नस्ल पर अपने गर्भ में बच्चों पर नज़र नहीं रखेंगे तो अल्लाह ना करे आपको अपनी बच्चों की जवानी की उम्र में बच्चों को खोना पड़ेगा। तो मेरी अपील है कि उसके ऊपर निगरानी दें और बचाने की कोशिश करें। आज सहारा फाउंडेशन एनजीओ और भंडारशाह मोहल्ला जमात और यंग कमेटी की जानिब से भंडारशाह गली मदरसे में फ्री हेल्थ चेकअप और डेंगू कैंप का एहतमाम किया गया है, जिसके अंदर यहाँ के तमाम ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब तक आ चुके हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया है कि यहाँ पर एरिया कंजस्टेड और क्लीनिंग नहीं होने की वजह से ज़्यादा डिजीज़ है, तो ज़्यादा लोग बीमार हैं, तो इसी की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे आज एक कैंप किया था। और इसके अंदर हम लोग बीपी, शुगर और फ्री मेडिसिंस भी दे रहे हैं, जिसमें पेडियाट्रिक मेडिसिंस भी है। और इंशाल्लाह कॉरपोरेशन से बात करके हम यहाँ पे क्लीनिंग का भी काम करवाने वाले हैं, फॉगिंग और सैनिटाइजेशन।
आज हमारे भंडारशाह मोहल्ले में मुस्लिम जमात और यंग कमेटी और सहारा फाउंडेशन की ताउन से ये जो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया है, डेंगू प्रिवेंटेशन कैंप रखा गया है, हमारे मोहल्ले के बहुत से लेडीज़ जेंट्स बच्चे वगैरह आकर अपना चेकअप कराए, डॉक्टर साहब ने भी उनका चेकअप किया और हम लोग फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर बिल्किस जमादार, मैं सहारा हेल्थ केयर फाउंडेशन में डॉक्टर हूँ। इधर हम लोग कैंप कर रहे हैं आज, ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा पेशेंट का चेकअप हो चुका है, बीपी चेकअप एंड शुगर चेकअप हो चुका है और डेंगू के ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर डेंगू हो रहा है अभी उज्ज्वल नगर, गांधी नगर, अमन नगर एंड खंजर गली। इधर स्टैग्नेंट वाटर ज़्यादा रहता है, इसीलिए तो डेंगू प्रिवेंशन के लिए हम लोग ज़्यादातर हर जगह कैंप्स रख रहे हैं। भंडारशाह मोहल्ला के और सहारा फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारों को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये बहुत ही आज की ज़रूरत है क्योंकि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का वायरल चल रहा है। कोविड अभी इतना पूरे लेवल पे ख़त्म भी नहीं हुआ क्योंकि बेंगलुरु में अभी भी कोविड केसेस आ रहे हैं। इन हालत पर इन जमात वालों ने और सहारा फाउंडेशन वालों ने जो ये कदम उठाया और साथ में जो डॉक्टर्स की टीम है जो अपना वक्त लगाकर जो इस मोहल्ले की खिदमत करने के लिए आए हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सुनने में आया कि सुबह से अब तक जो है तकरीबन 180 लोग इस कैंप का फायदा उठा चुके हैं और ये कैंप जो है तकरीबन शाम तक चलेगा।
ಈಗ ನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಬಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಿಕ್ಷುಕರು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವರು ಮಾಡಿದವರು ಏನೋ ಅನಾಥ ಇದ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಸೇವಾ ಜಲ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯಿತು. ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ಬಳಕೆ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಡಿ ನೀರಂತೂ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ದೂರವನ್ನಾಯ್ತು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ಸೆ ಅಚ್ಚಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಜೋ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೆ ಅಂದರ್ एक सेवा फाउंडेशन कई साल से मेहनत कर रही है. ये कोरोना के बारे में जो काम किए, जो भटके हुए लोग को लेके जाके उनके गांव को भी पहुंचाए इलाज करके, ये जो जो काम करे वो आज तक कोई बेलगाम के अंदर काम नहीं कर सके. तो जो काम किए बहुत अच्छा किए. वो पानी गरीब भी लेना ऐसा कुछ रेट रखो उसको फर्क नहीं पड़ता. वो बच्चे इसमें मतलब ये है, अमीर तो खरीदी करके लेता है, गरीब भी उसको खरीदी करके उसको कुछ एहसास नहीं होना कि इसको पानी ये बच्चों को पिलाना. क्यों बोलो तो गरीब भी जो है नहीं ये पानी से बचना, ये मेन मतवा ये है. जो पानी गरीब खरीदी करके सकता है वो इसके लिए रेट में रिजनेबल रेट में करो, वो गरीब तक घर को पहुँचाओ. और ये जो काम करेगा पानी का दिख रहा है, पानी का काम मदर बहुत बड़ा काम है आज के इसके अंदर. मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सेवा फाउंडेशन की जो भी टीम है इनकी पूरी, इनको हर काम में इनके कामयाब करें. और ये जो काम करें छोटा काम नहीं है, जैसे मकसूद भाई ने अभी बताया है और होमलेस पीपल, मैंने भी इनके बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ कि ये रोड पे जगह गरीब लोगों को उठा के उनको साफ सफाई करा के या उनको जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँच करके, और लॉकडाउन में खाना वगैरह बांट के सबको, जो खाना नहीं मिल रहा था तब उन्होंने खाना बांटा है. और ये जो नया चालू किया है फिल्टर वाटर का, ये बहुत बड़ा काम है. पानी किसी को पिलाना ये बहुत बड़ा स्वभाव का काम है, और इसका जो स्वभाव आपको मिलेगा ये कहीं नहीं जाएगा. ये कमेटी के मेम्बर्स को दुआ देता हूँ क्योंकि बहुत काम करते हैं. लॉकडाउन में गरीब इंसान को खाना दिए, और मेरे आंख के सामने मैं देखा दो तीन केस जो एक होमलेस हाउस में था, वो कुछ निपाली सेठ का था, वो निकल के एक बरस हो गया था, घर से निकल के एक बरस हो गया था. अकीब ने उन्हें जाके उनको मिल के उनकी फैमिली के मेम्बर को इधर बुलाया, बुला के एक बरस के बाद में वो इंसान 25-30 साल का था देखा मैं, तो उसको उनके घर पहुँचाए. आज आमच्या सेवा फाउंडेशनच्या वतीने बेळगाव जिल्ह्यामध्ये आम्ही एक 5,000 पाण्याची बॉटल्स वाटप करण्याचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे, आणि आजपासून ही सुरुवात झालेली आहे कॅम्प एरियामधून. आणि सेवा फाउंडेशनच्या वतीने कमी दरात पाणी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, आणि हे पाणी सर्व लोकांसाठी आहे जे कमी दरामध्ये कुणी खरेदी करू शकत नाही, त्यासाठी आम्ही हा कार्यक्रम सुरू केला. सेवा फाउंडेशन जो है एक नई एक्टिविटी लेके आया है, हाँ क्या है, सेवा जल के नाम से जो है क्या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो है करने वाले हैं. ये पूरे बेलगाम सिटी में हम लोग अलग अलग एरिया में इसका क्या इसका ड्राइव करेंगे. हर एरिया में हम लोग जिधर भी पानी की अब कमी हो रही है उधर हम लोग 20 लीटर्स का क्या बॉटल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. अब सेवा फाउंडेशन से आज इसका इनॉग्रेशन था, आज इसका ओपनिंग हो गया है, और हम लोग सिर्फ 10 रुपये में एक 20 लीटर से मिनरल वाटर दे रहे हैं. तो वही इसके बाद भी जो है हमेशा हम लोगों का ये पानी का बॉटल्स का जो है कि ड्राइव चलते रहेगा. और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो सिचुएशन में जो चीज़ की कमी हो रही है क्या वो चीज़ पर हम लोग काम कर रहे हैं. मैं चाहता हूँ कि सभी लीडर्स है
हमारे भाई है जो भी जाति धर्म के हैं इनको ये सुविधा मिलेगी। ये सेवा फाउंडेशन जो है इसमें मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन सब मिलके हमारा एक हम लोग फाउंडेशन बनाए है। मैं चाहता हूँ पूरे पब्लिक को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें सपोर्ट करें। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सेवा जल का जो पानी निकला है इसका जो भी प्रॉफिट होगा हम तो बहुत कम से कम दाम में दे रहे हैं। 20 लीटर का बोतल 10 रुपये में दे रहे हैं। अभी हमारा 1/2 लीटर का 1 लीटर का 2 लीटर के बॉटल्स भी हम लोगों के मार्केट में सेल होंगे, वो भी कम दाम में होंगे। हम लोग कम दाम में उनको देंगे और के रिटेलर को भी बोलेंगे कि वो भी कम दाम में बेचो और इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा ये सेवा ट्रस्ट के सोशल एक्टिविटीज़ के लिए आएगा। हम आपसे पूरे बेलगाम से सपोर्ट की के विनती करते हैं। धन्यवाद। आज खानापुर के नौजवान कईद अलीम नाइक का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाएगा। वाजा रहे खानापुर के अलीम नाइक को नौजवान और बेबाक कईद के तौर पर जाना जाता है। अकलियती दलित पिछड़े तबकात के लिए बढ़ चढ़ कर आवाज उठाते हुए अकलियती और पिछड़े तबकात के खिदमात में भी पेश रहते हैं। मौजूदा हालात के मद्देनजर अकलियती समाज की आवाज़ कोई बनते नजर नहीं आता। ऐसे वक्त में मजलूमों की आवाज़ बनना अपने आप में बड़ी बात होती है। लॉकडाउन, कोरोना या फिर बाढ़ जैसे हालात में भी अलीम नाइक फाउंडेशन ने बेहतरीन खिदमात को अंजाम दिया है जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। आने वाले रियासती चुनाव में जनाब अलीम नाइक मैदान में उतर सकते हैं ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है। नौजवान और बेबाक कैदों की माशरे को जरूरत है, लिहाजा अलीम नाइक का जिक्र खानापुर अतराफ के इलाकों में तस्करा करते हुए देखा जा रहा है।